नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बनाने के लिए जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले जमीन डिसाइड करते हैं, एरिया डिसाइड करते हैं कि कितना एरिया में हमारा एक BHK यानी कि एक रूम बेडरूम हॉल किचन बाथरूम एडजस्टमेंट होगा। दो रूम बनाने के लिए, चार रूम पाँच रूम बनाने के लिए आपको कितना ज़्यादा और कितना खर्चा लगेगा 2023 में, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का वीडियो जल्दी यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिए कंटिन्यू इस वीडियो को। चलिए देखिए फ्लाइट का नेम है, ठीक है, नाम और कम से कम कितना जगह चाहिए और कितना खर्च होगा। 1 BHK, तो सबसे पहले बहुत लोग तो ये नहीं जानते होंगे 1 BHK का मतलब क्या होता है, मीनिंग। तो इसका मतलब होता है 1 बेडरूम या लिविंग रूम उसके बाद एच से होता है हॉल होता है, ठीक है, हॉल बोल दीजिए या डाइनिंग बोल दीजिए रूम, इसका मतलब ये हो गया किचन रूम। तो दोस्तों घर बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कितना जगह लगेगा, कितना एरिया लगेगा हमारा घर बनाने में, ठीक है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, तो BHK मतलब हो गया बेडरूम, ठीक है। तो घर बनाइएगा तो कम से कम आपको बेडरूम बनाना पड़ेगा, एक हॉल या डाइनिंग बनाना पड़ेगा, एक किचन रूम बनाना पड़ेगा और एक बाथरूम टॉयलेट रूम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ ज़रूरी पड़ता है। तो देखिए बहुत लोग को 1 BHK घर बनवाना रहता है, 2 BHK, 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, 5 बेडरूम चाहिए, ठीक है, जिसको जैसा ज़रूरी पड़ेगा उसके अनुसार बनाता है, ठीक है। तो हम ये आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं ताकि आप जब भी घर बनाएंगे तो आपको ये बताया हुआ एरिया में पता चलेगा कि इतना एरिया में इतना रूम बनने वाला है, ठीक है। जैसे 1 रूम बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम। और फ्रेंड बैकग्राउंड से जो आपको नॉइज आ रहा होगा, मशीन चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, कारपेंटर का, इसलिए आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान नहीं दीजिए। और बात कर ले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फुट यानी कि एक स्क्वायर फुट का विथ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, तो यह दोस्तों 1400 से ले के कम से कम आपको 1800 रुपया में घर बनता है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे 1 BHK यानी एक बेडरूम हॉल किचन बाथरूम टॉयलेट बनाने के लिए कम से कम कितना जगह लगेगा। तो दोस्तों यह आपको कम से कम 450 में 1 BHK एडजस्टमेंट हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 600 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम कम से कम एरिया का बात कर रहे हैं 450 स्क्वायर फुट, ठीक है। अब 450 स्क्वायर फुट है, 1 BHK घर बनाना है तो कितना खर्च जाएगा, तो 675,000 के आसपास आपका खर्च जाएगा, ठीक है, फिनिशिंग तक लगभग कम से कम बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हम 450 एरिया का बता रहे हैं, एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन रूम, टॉयलेट बाथरूम। अब 2 रूम बनाना है, हॉल बाथरूम किचन डाइनिंग जो भी बनाना है, तो उसके लिए कम से कम आपको जो जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, एरिया आपको 650 स्क्वायर फुट में एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा और भी जगह है तो अच्छा खासा और भी बड़ा बड़ा हॉल, बड़ा बड़ा बेडरूम, किचन बाथरूम बना सकते हैं, लेकिन हम कम से कम एरिया और कम से कम जगह का बात कर रहे हैं। तो 650 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए कम से कम आपको 9-10 लाख के आसपास पड़ेगा, ठीक है, 9,75,000, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेंगे 3 बेडरूम हॉल किचन बाथरूम बनवाना है, उसके लिए कम से कम कितना हमें ज़मीन चाहिए, कितना जगह लेना पड़ेगा। तो कम से कम 900 स्क्वायर फुट में 3 BHK आपका घर फ्लैट एडजस्टमेंट हो जाएगा। कॉस्ट का बात कर रहे हैं, मेटल प्लस लेबर बनाने का खर्चा 13.5 लाख के आसपास आपको 2023 में लग जाएगा, ठीक है। ये 2023 का वीडियो है, ठीक है फ्रेंड। अब बात कर लेंगे 4 BHK, 4 BHK मतलब 4 बेडरूम हॉल किचन डाइनिंग जो भी रहता है, टॉयलेट बाथरूम बनाने में आपको कितना कम से कम जगह चाहिए। तो जगह आपको 1300 स्क्वायर फुट कम से कम जगह आपको लगेगा। अब खर्चे का बात कर ले
तो भाई चार रूम, बेडरूम, हॉल, बाथरूम, किचन जो भी बनाना है उसमें 19 लाख रुपया लग जाएंगे, ठीक है। अब 5 बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, डाइनिंग जो भी निकालना है आपको, तो उसके लिए कम से कम आपको 1700 स्क्वायर फुट आपको जगह चाहिए, ज़मीन लेना पड़ेगा, ठीक है। कोस्ट का हम बात कर लें तो आपको 25.5 लाख के आसपास लग जाएगा। हमने जो लिया था, पकड़ा था, वह आपको 1500 रुपया पर स्क्वायर फुट पकड़े थे विथ मटेरियल, उसके अनुसार बताए हैं। आपके एरिया में अगर बढ़ता है कोस्ट तो 1600-1700 भी जा सकता है। तो फिर हम लोग आशा करते हैं आप लोग से कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।